एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ शिवानी, फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो प्लीज आप लोग बने रहना। तो ये किचन टिप्स से बहुत ही काम आने वाला है, जो कि आप लोग स्किप कर मत देखना, ठीक है? आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से हम लोग बहुत सारे काम आसान भी कर सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग रिफाइंड का पैकेट है तो हम लोग यूज करते हैं और फिर फेंक देते हैं, ठीक है? तो ये टिप्स है जो कि हम आज आप लोग को बता रहे हैं, बहुत ही काम आने वाला है ये टिप्स। तो देखिए, कितने लोग होते हैं कि निकाल लेते हैं कोई बोतल में, उसके बाद पैकेट को फाड़ देते हैं। तो देखिए, हम इस तरीके से हम इसे कैसे काम में ले सकते हैं। तो पहले तो हम कैंची ले लिए हैं, उसके बाद फिर इसे काट लेना है, तीन तरफ से काटना है, ठीक है? जैसे कि आप देखें, आगे से काट रही हूँ, फिर साइड से काटे हैं, फिर साइड से काटेंगे, ठीक है? तो तीन तरफ से काट लेना है और कुछ इस तरह से पलटा लेना है। तो देखो इसमें कितना सारा रिफाइंड लगा हुआ है ना, तो ये वेस्ट चला जाएगा। और हम आटा गूंद रहे हैं, रात में आटा गूंदते हैं, सुबह में आटा गूंदते हैं, ठीक है? तो देखिए, कितने टिप्स आप लोग देखे होंगे कि आटे में तेल लगाने से आटा सॉफ्ट होता है, रोटी भी बहुत अच्छा बनता है, ठीक है? तो ये जो है, हम इसमें बहुत सारा रिफाइंड था, और तो फिर हम इसे आटे को इस तरह से इसी पे रख के हमें गूंद लेना है, ठीक है? कितना सारा तेल इसमें लग चुका है ना, और जब इसका रोटियां बनेगी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, और फिर फुली फुली रोटी, बहुत ही अच्छा रोटी इसका बनता है। तो आप लोग यकीन मानिए, ये अच्छा टिप्स है, ये आप लोग करना, फॉलो करना, उसके बाद फिर देखना कि बहुत ही अच्छा। ये देखिए, छोटे छोटे चीज़ों से हम लोग बहुत सारा चीज़ बचत भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मेरे आटे आइए पोलोथीन है जो कि हम साइड में रख देंगे, जैसे चूल्हे पे कितने लोग खाना बनाते हैं तो वो जलाकर चूल्हा धरा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम मिर्ची ले लिए हैं, तो मिर्ची तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मिर्ची बहुत नुकसान करता है ना, तो बस हम भी तो हम बताते हैं, नुकसान मिर्ची नहीं करता है, मिर्ची का जो बीज होता है वो नुकसान करता है, ठीक है? तो देखिए, हम लोग जैसे कि तेल में डालते हैं तो हम लोग तोड़ कर नहीं डालें, ठीक है? पूरे ही डाल दें, और सब्ज़ी में पूरा डालने के बाद, उसके बाद फिर जब बन जाता है तो सब्ज़ी आप निकाल दो, मिर्ची कोई नुकसान नहीं करेगा। और ये हरा मिर्च है, तो ये मिर्च के भी ऐसे ही करें आप लोग, काट कर मत डालें, ठीक है? ऐसे ही डालें। और मिर्च का बीज जो है वो बाहर निकालेंगे खाने के समय में, तो फिर वो फेंका जाएगा, तो वो नुकसान करेगा ही नहीं, ठीक है ना? और देखिए, लाल मिर्ची जैसे कि होता है, तो आप लोग घर पे लाते हो तो वो भी बरसात का टाइम है तो वो उजला हो जाता है ना, तो कुछ इस तरीके से गर्म लोहिया कर फिर आप थोड़ा सा भूंज लो, और उसके बाद उसे स्टोर कर रख दो कोई चीज़ में, पोलोथीन में, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है? तो ये तीसरा टिप्स था जो कि आप लोग को हम बताए हैं, तो आप लोग ये टिप्स को फॉलो करना और देखना। यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं, जैसे कि देखिए कितने सारे टमाटर हैं जो कि आ जाते हैं, जैसे कि मार्केट से ज़्यादा पका हुआ, और हमें दो दिन तक रखना है। तो देखिए किस तरह से हम रखते हैं, तो कोई थोड़ा सा टाइट रहता है, तो कोई उसमें हल्का सा निशान रहता है, और फिर कोई गला हुआ रहता है, ठीक है? तो हम आप लोग को एक टिप्स बता रहे हैं जो कि आप लोग फॉलो करना। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं और यहाँ पे गर्म पानी कर लिए हैं, ठीक है? तो ये जो गर्म पानी कर लिए हैं ना, तो फिर इसे हमें सारे टमाटर जो है उसको हमें इसमें डाल देना है थोड़ा देर के लिए, ठीक है? और इसे डालकर हमें छोड़ देना है, तो ये जो है थोड़ा सा नरम उस सख्त हो जाएगा। और फिर आप, हो सकता है तो ये पानी भरकर बोतल में डाल दो, ये पानी सहित और टमाटर, ठीक है? तो वो बहुत दिन तक मतलब ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी हम घी बना रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं हम घर पे ही, आप लोग कितने वीडियो में देखे होंगे कि हम घर पे ही घी बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे घी बन रहा है, तो देखिए हम किस तरह से घी बनाते हैं, और बहुत सारे घी भी निकलेगा इतना थोड़ा सा मलाई में, और फिर ये दानेदार घी बनेगा, दानादार जैसे बनता है, और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए घी बनाने का स्टेप, जैसे कि ये है मेरा घी, 5-10 मिनट में बन गया है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से, और ये होता है ना कि जैसे हम अभी इस तरह का है, और अभी हम बंद कर देंगे तो ये 5 मिनट तक खोलते रहेगा, ठीक है? ये जब उतर जाता है, इतना हॉट गर्म रहता है कि 5 मिनट तक ये खोलते रहता है। और यहाँ पे हम सारे दवाइयाँ ले लिए हैं, ठीक है? जो भी जैसे कि दवाई हम लोग यूज करते हैं, कोई सा भी दवाई हो, ठीक है, आप ले लेना। जैसे कि फेंकते हैं ना हम लोग ये सब दवाई, तो बस उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दवाइयाँ हैं जो कि मेरे बेकार पड़ा हुआ था, किसी का डेट एक्सपायर हो गया था,
तो बस हम ये सब दवाइयाँ का पैकेट ले लिए हैं और यहाँ पे देखिए घी मेरा जैसे कि बन रहा है, ठीक है। तो घी मेरा बन भी चुका है, अब इसे हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हम छान लेंगे घी को और कितना अच्छा कलर आ गया है, देखिए बहुत ही अच्छा कलर। और ये जो है इसे जो छकना में हम मलाई डालते हैं ना, तो बस यहाँ पे घी जैसे कि हम लोग निकालते हैं तो इसका ये जो जला हुआ बच जाता है ना, तो बस इसे हमें थोड़ा सा दाब कर निकाल लेना है क्योंकि इसमें बहुत सारा घी रह जाता है। तो इसे दाब कर देखिए कुछ इस तरह से निकालेंगे तो सारा घी निकल जाएगा। और ये जो घी है ना इससे हम बना सकते हैं मिठाइयाँ, ठीक है। ये जो बचा हुआ है घी का जो जला हुआ बचता है उसे हम मिठाई भी बनाकर खा सकते हैं, तो उसे नहीं फेंकें, ठीक है। तो हम लोग तो रखेंगे और अगले वीडियो में आप लोग को हम दिखाएंगे कि इसकी मिठाई कैसे बनता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहना, बहुत ही अच्छा बर्फी इसका लगता है खाने में ये जो है। तो कितने तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को हम दिखाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है, इसका जो निकलता है ना। तो बस ये देखिए मेरी कढ़ाई कितनी जल चुकी है और फिर हमें इसे कलछुल से खरच के छुड़ाना है। तो देखिए कितना आप कलछुल या छुरनी से छुड़ा लेते हो बस, बट वो साफ नहीं होता है। और देखिए कितना सारा जल चुका है मेरा लोहिया। अब इसे देखिए कैसे हम साफ करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है साफ करने का। तो चलिए ये जो दवाई का है ना पैकेट उसे हमें ले लेना है और कुछ इस तरीके से खरच लेना है। तो इससे ना बहुत जल्दी मेरा कढ़ाई बहुत जल्दी साफ भी हो जाएगा और मेहनत भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा से साफ हो रहा है। तो यही सब है जो कि ये टिप्स, छोटे छोटे टिप्स है जो कि हम लोग इसे ध्यान में नहीं रखते हैं और फिर हम इसे साफ़ करने में लगे हुए रहते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि कढ़ाई जब जला हुआ रहे ना तो मैसने में तो हालत ख़राब हो जाता है ना। तो देखिए कितना जल्दी साफ भी हो चुका है। और ये थोड़ा सा हम ले लिए हैं स्टील का जो होता है ब्रश बर्तन धोने वाला और साबुन, ठीक है, क्योंकि ये तेल चिपचिप है तो ये तेल चिपचिप तो कूट साबुन से ही हटेगा ना। तो बस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेकर हमें घुमा लेना है और देखिए कितना लाइट कर रहा है ना मेरा कढ़ाई, देख लीजिए कितना अच्छा साफ हो गया है कितने अच्छे तरीके से। तो फिर एक बार लेके हमें इसे साफ कर लेना है। तो देखिए भाई जब भी कढ़ाई जल जाए किचन में ना तो माथाबाड़ी हो जाता है और फिर साफ करने में तो हालत ख़राब हो जाता है। तो ये न्यू टिप्स है जो कि आप लोग फॉलो करना और देखना और बताना कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। फॉलो कर आप लोग ट्राई करना घर पर एक बार ज़रूर, अच्छा लगा तो लाइक करना, कॉमेंट करना और फिर शेयर भी करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक, एक कढ़ाई के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है, तो आप लोग कर देना। कल मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।